कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से आप सब ठीक ठाक से होंगे। तो आज जो है दोस्तों 9:30 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है तो 9:30 बजे से हो रही है। तो मैं और रमना हेलो, हाय। तो आज जो है आज हम जा रहे हैं शनि महिमा, जो कि छमाई चढ़ाते हैं, छः माह की। तो ये देखिए रमना के हाथ में छमाई। तो दोस्तों अभी आपको लेके चलेंगे हम शिव चरणों के ध्यानों के पास, तो जहाँ पे जो दुनिया जाती है तो वहाँ पे लेके चलेंगे। तो शिव चरणों जी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, और उनसे हम यही कहेंगे गाइस कि आप सबकी जो मनोकामना है पूरी करें। तो अब जो है अब हम निकल पड़ेंगे यहाँ से शिव चरण। पंडित जी कुल पुरोहित सन्नी जी, राधे राधे, राधे राधे। तो सन्नी जी जो है अभी कथा करके आगे चाचा जी के घर में। और पंडित ठीक है? बढ़िया जी बढ़िया। और कैसे हैं? बस बहुत अच्छे। अब हम जा रहे हैं भाई स्मैला, क्या बात है, वहाँ पे चलेंगे हम छमाई चलाने के लिए ना, 6 माह के बाद सभी जाते हैं वहाँ पे। चलो तो पंडित जी कथा होगी हमारी तरफ से भी वहाँ पर। हाँ हाँ, माथा टेक देंगे, माथा टेक देना और वहाँ पर ठीक ठीक बाबा जी का जयकारा लगा देना। लगा देंगे पंडित। और कथा होगी? कथा होगी जी पूर्ण। वो भागवत में बैठे थे आप हमारे सन्नी पंडित जी, तो ये बोल रहे थे कि भागवत में बैठे हुए थे ना ये, तो उन्होंने भागवत में मेरे बात नहीं होने आज कथा कर दी। इनके डैडी जो है ना अपना धनीराम संख्यान जी, इसलिए पूर्णिमा के व्रत नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, तो आज ग्रहण, आज बोले पूर्णिमा के व्रत नहीं होंगे, बस राती राती आ ग्रहण। तो रात को जो है रात को ग्रहण है बोल रहे हैं। आजी, आजी। और व्रत नहीं होंगे आज। सवा चार का पुल वगैरह लिया, तो आप जो है आगे माथा टेकेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों जो कि 6 मई का होता है ना अपने फसल का, तो इसमें जो है हम शनिदेव के मंदिर में आते हैं, और हमेशा जो है सदियों सदियों से ये रीत चली आई है। तो इसको जो है हम शॉप से ही नहीं निकालना है। तो देखिए कितने सारे लोग आते जाते हैं ना। तो पहले भी मैंने आपको बताया था, तो उस व्लॉग में भी आपका बहुत सारा प्यार मिला था। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो कि आज का शनि महिमा का जो व्लॉग होगा तो उसी की तरह जो है आपका फिर से आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो गाइस चलेंगे, आप माथा टेकेंगे। देखिए कौन आ गया, बिक्कू भी आ गया, और साथ में रहना है। तो देखिए कितनी रश है, कितना भीड़ है। सारा करते हुए कि आ जाओ। तो देख रहे हैं आप सब्जी फ्रूट वगैरह सब शॉप में, यहाँ पे बैंगन। और हमारे भाई राम राम भाई, आपको पता है उनका कैसा होता है शनि महिमा। तो शनि जी से हम यही आशीर्वाद मांगेंगे सबके लिए कि दिन दुगनी और रात चौगुनी हो। अब हमने यहाँ पे हाथ पांव वगैरह धोए, और मैं रमना और साथ में लिखूँ। तो अभी आपको दर्शन कराएंगे बाहर से ही, आपको पता है अंदर और नेता है कैमरा, तो बाहर से आपको दर्शन करवा रहे हैं, और लंबी लाइन लगी हुई है। तो अब जो है हम भी लाइन में लगेंगे। कोई नहीं, छमाई जो है यहाँ पे चलाते हैं ना, अंदर नहीं लेते होते हैं। तो ये देखिए लाइन, तो गाइस लाइन देखिए, आपको पता है जब शनिवार दिन जो होता है तो वो लंबी लाइन लगती है उस दिन, तो लाइन से ही मजा आता है माथा टेकने का। तो बाहर से दर्शन करवाएंगे आपको। तो वो विश्राम भवन भोजनालय, प्रसाद मिलता है वहाँ पे, आपको दिखाऊंगा। और उस साइड को जो है, इस साइड पे हम छमाई जो है इस साइड पे रखते हैं। हमारा मैंने कहीं पे जाना था लेकिन वो कार्य जो है वो कैंसिल हुआ, और उसके बाद जो है एकदम से हमने प्रोग्राम बनाया कि हमने शनिदेव के मंदिर में चलना है और माता देखना है, और जो कि 6 महीने की छमाई है तो उसको चढ़ाएंगे, और फिर इनको मैं छोड़ूंगा घर पे, और फैमिली उसके बाद जो है एक जगह पे और जगह पे लेके चलूँगा आपको। तो आपको पता है दोस्तों हर एक जगह पे जहाँ पे भी जाता हूँ तो आपके साथ मैं अपना ब्लॉग जो है शेयर करता हूँ, और आप सबका प्यार जो है बहुत सारा मिलता है। और आज के ब्लॉग में भी यही आशा करता हूँ दोस्तों कि जैसे कि पहले की तरह आपका प्यार मिलता है, उसी तरह से ये प्यार जो मिलना, और भगवान शनिदेव जी आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे। देखिए बारिश आती हुई हमारी, लाइन में ही टेकना चाहिए दोस्तों। ये सारी बात तो हमारी जो कि लाइन में माता पिता
देखने का कुछ आनंद ही अलग होता है। होता है अपनी अपनी बारी का इंतजार, ना कोई हमसे पहले जाए ना कोई हम किसी से पहले जाएं। अगर लाइन में माथा टेकेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों सच्ची सरकार से मैं यही दोनों हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप सब भी मंगलम रहे अपने अपने घर में, और आपका जो भी जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ आप अपने अपने श्रद्धापूर्व से। अब जो है अब हमारा लास्ट मेरा हमारा जो माथा टेकने का प्रोग्राम होगा तो वो होगा मंगलवार का दिन, तो उसमें आपको ब्लॉग को दिखाऊंगा दोस्तों धौलराम बाबा जी के मंदिर में बिलासपुर में। पहले भी आपको दिखाया था, हर छः महीने के बाद आपको लेके चलते हैं हम, आपका प्यार मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके जो है माथा टेकेंगे, अंदर मेरे ख्याल से फोन जो है कैमरा जो है अलाउ नहीं होता है, तो बाहर से ही आपको दर्शन करवाता हूँ दोस्तों। आपको दर्शन करवा रहा हूँ, आगे कैमरा जो है अलाउ नहीं। तो भगवान शनिदेव जो है आप सबकी मनोकामना पूरी करे। तो दोस्तों अब मैं भी माथा टेक लेता हूँ, आपकी तरफ से भी मैंने मांगा। तो इस तरह से गाइस जो के मुर्गे होते हैं ना तो उनको पानी डालते हैं, तो वो लाला और अब जो है अब घर के लिए चलेंगे। आज से चरण धेनु के मंदिर में, तो आपको पता है बोला था सुबह पहुंचेंगे और पहुंच के आपको दर्शन करवाए। तो दोस्तों अब जो है आप यहाँ से चलेंगे हम गोबर जो है ना, तो हम जो के बीच वाले दीदी है ना हमारे, तो उनके घर में चलेंगे अब हम, क्यों बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट, उसके बाद घर मैं आपको लेके चलेंगे। तो ये कुछ शॉप है यहाँ पे, तो जाने कितने लोग आते जाते पूरा दिन भर बाबा जी के चरणों में आगे ले जाते हैं। तो ये दाटियाँ वगैरह हाँ जी हाँ जी, तो हमारे भाई साहब भी आए हुए देखिए। बिक्कू जो है बिक्कू बोल रहा था रास्ते में कि गोलगप्पे मिलेंगे, लेकिन चलो भगवान ने गोलगप्पे मिला दिए, तो अब जो है दोस्तों गोलगप्पे खाएंगे यहाँ पे गोलगप्पे। और यह रहा बिक्कू हमारा, चलो उठ जा बिक्कू। तुम्हारी सुन ली भगवान ने गोलगप्पे खाने का मन था ना, तो गाइस गोलगप्पे रेडी। बिक्कू कैसे है? एकदम यामी, बहुत बढ़िया ना। तो यहाँ पे बैठ चुके हैं बिक्कू और अमना और साथ में हमारे सिस्टर बब्बो। खंगी लो खंगी लो, मारोगी बब्बो दोस्तों हैं। इनका काम चला हुआ है टाइल का, तो वो भी आपको दिखाते हैं। रामू एंड कारीगर वगैरह लगे हैं यहाँ पे, रामू तो शायद कहीं पे गया होगा, दिखाते हैं आपको टाइल लगाना। Thank you.
चावल और साथ में पर्दा और अन्नू अन्नू कर रही है सर्व पंकु की घरवाली बनाई भी तो है बनाई है कड़ी पर्दा। तो दोस्तों फैमिली अब खाना खा लेते हैं, फैमिली अब यहाँ से निकल पड़े हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिकू और रमना और साथ में नमन पंकू का लड़का और सिस्टर हमारे और ये रही अपनी स्कूटी। तो अब जो है खाद बो रहे थे ना लाने 12-32-16 तो उसको भी लेके आएंगे अगर कपहड़े में बताई थी कपहड़े में है। तो बस ये लेके आया खाद और आते की बार गुग्गा मंदिर में भी आगे और यहाँ पे माथा टेक लेते हैं और साथ में हमारे पजियाड़ू जी पौड़िया जय जयकारा गुग्गा मड़ी जार भी का बोल सच्चे दरबार की जय जय मड़ी गुग्गा जार भी। तो फिर ही लेते हैं दोस्तों गुग्गा मड़ी जार पीर के, तो आप सबकी तरफ से भी फेरी ले ली। तो गुग्गा मड़ी जो है सबके दुख दलिद्र दूर करे और सबके घर में बरकत वादा डाले। तो हमारे पजियाड़े जी तो यहाँ पे पंडित जी हमें हमेशा ही भाई बहुत इनका सहयोग रहता है दोस्तों। और देखिए मंदिर में एकदम से आ जाते हैं बेचारे, बस घंटी बजी और एकदम से यहाँ पे तुरंत, क्योंकि चलो बेचारी सेवाएं देते हैं हमारे भाई साहब जी। तो चलो इनके लिए भी हम गुग्गा मड़ी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई का जो के दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो और काम जो है अच्छा चला रहे। तो दोस्तों अभी जो है भी हम मिलेंगे अपने घर में, आपको पता जैसे जैसे मैंने बताया तो आप मतलब आप सबके संजोग से जो है आज मैं सबसे पहले गया था अपने संदेव के मंदिर में और उसके बाद जो था अपने सिस्टर के घर में गया, आपको बताया उधर भी, और उसके बाद था दोस्तों अपने कपाड़ा में खाद ली वो भी आपको बताया, और उसके बाद जो है अपने भाई जी के पास यहाँ पे मंदिर में माथा टेका। तो गाइज अब अपने घर में चलेंगे और उसके बाद मैं